नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल अमृता फूड फैक्ट फन में स्वागत है। आज मैं कुछ आपको रेसिपी नहीं दिखाऊंगी, आज हम घूमने जाने वाले हैं कॉर्निश बीच। कॉर्निश बीच है अबू धाबी में, और अलवादा मॉल भी दिखाएंगे, और मेरा बेटा और हम सब आपको अलवादा मॉल और कॉर्निश की टूर करवाएंगे। और ये सब अबू धाबी में आता है, चलते हैं कॉर्निश बीच, उधर सब दिखाऊंगी कैसा है। अभी हम कार में बैठे हैं, अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। अभी हम बीच पे आए हैं और ये देखिए पूरा सब बीच पे आए हैं। छुट्टी, आज छुट्टी है ना। और यहाँ पे ये इमरिट्स पैलेस भी है, ये और ये और वो क्या है ऋषभ, वहाँ अटलांटिस ऑफ द काम है, ये वाला देखो। हाँ, मजा आ रहा है। हाँ, पर हम स्विमिंग नहीं कर सकते, ठंडा पानी है। हाँ, स्विमिंग नहीं कर सकते क्योंकि अभी ठंडी चालू है ना, तो यहाँ पूरा कोल्ड हो जाता है पानी, इसीलिए हमने स्वेटर भी पहने हैं क्योंकि पानी में भी हाथ नहीं डाल सकते, पूरा ठंडा ठंडा पानी है। पर तो जैसे हाथ पानी में हाथ डालेगा क्यों, ठंडी भी लगेगी ना। लगेगी तो देखो, बीच के अपोजिट साइड ऐसा भी हुए, बहुत अच्छा लगता है इधर आके। ये जो डिस्टेंस के लिए रिंग रखा है आप देख सकते हो, क्योंकि फैमिली नज़दीक नहीं बैठ सकते, इसीलिए वो रिंग किया है। देखो मेरी फैमिली भी एंजॉय कर रही है, बोट भी जा रही है, और इधर शाम के टाइम पूरा बोटिंग होती है। यहाँ का पानी बहुत ऐसे फ्रेश पानी है, मीन्स अंदर का पूरा दिखता है, देखो ऐसा गंदा पानी नहीं है। यहाँ पे बाइक भी चलाते हैं पानी में स्विमिंग, और यहाँ पे लाइफ गार्ड खड़े रहते हैं, पूरा टाइम ध्यान देते हैं।
लेते हैं। ये रहे सब बोटिंग कर रहे हैं, पैसे दे के पूरा। और उधर के अपोजिट साइड हम लुलू आइलैंड है, उधर सब लोग टेंट लगा के रह सकते हैं एक दिन के लिए। क्या कर सकते हैं? टेंट लगा के रह सकते हैं, वहाँ पे बारबेक्यू भी कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं और बहुत कुछ करने के लिए है वहाँ पे। स्विमिंग भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? स्विमिंग। और उधर जॉइंट व्हील भी है, पर पर्सन कितना है? 50 ग्राम। जैसे कि बर्थडे पार्टी है, बर्थडे पार्टी के लिए वन नाइट रेंट से ले सकते हैं और वन आवर्स के हिसाब से पैसे लेते हैं वो। ऐसा हमने पूछा था तो 200 दिरहम ऐसा कुछ लिया था। यहाँ पे और यहाँ पे बोट राइड भी है और वो भी है ऐसे। कुछ कितने पैसे लेते हैं? हमने पूछा नहीं क्योंकि क्योंकि हमने ट्राई नहीं किया है इसीलिए। गाइस ये पानी बहुत ही ठंडा है और उसमें इतनी ज्यादा हवा चल रही है कि बहुत ठंडी लग रही है, इसलिए हम सब ने स्वेटर पहन के आए हैं। और हवा के कारण इसमें बहुत बहुत सारा पानी ऊपर आ रहा है। हवा के कारण मेरा और जैसे हाथ हो गए ऐसे, ऐसा लग रहा है कि जैसे बर्फ को टच करते हैं ना वैसा ही लग रहा है, इतना ठंडा पानी है। पर इधर का व्यू बहुत ही अच्छा है, इधर गर्मी में स्विमिंग करने का मजा ही बहुत अलग है। यहाँ फिश भी आते हैं छोटे छोटे। हम समर में हर टाइम इधर आते हैं स्विमिंग करने के लिए, यहाँ पर हमें बहुत मजा आता है। ठंडी में ज्यादा तो नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बहुत हवा होती है। आप देख सकते हो वो बोट क्रूज जैसा है ना, उसमें बर्थडे पार्टी शुरू है, वो 1 आवर का पैसा लेते हैं, दिरहम लेते हैं। और अच्छे से डीजे लगा के डांस करते हैं। मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पे कॉर्नेज एरिया में 3 बीचेस है, उसमें से एक ये ओपन बीच है और दूसरी उधर के साइड मैं दिखाती हूँ, उधर के साइड फैमिली बीच है, प्राइवेट बीच है। और उसी में प्राइवेट बीच में सिर्फ ओनली फैमिली ही अलाउड है। प्राइवेट बीच में फैमिली और वेस्टर्न भी आ सकते हैं, बट वहाँ पर 10 दिरहम पर पर्सन प्राइवेट बीच, वहाँ पर भी आप एंजॉय कर सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है लुलू आइलैंड।
यहाँ पे लोग क्या करते हैं, वन नाइट के लिए स्टे करते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं और बारबेक्यू करते हैं, कोई खाना लेके जाता है और सब फैमिली मिलके, और इधर बोटिंग भी हो जाती है। आपको ये जो दिख रहा है ना, इसे वो, और यहाँ से पैरासेल जो रहता है वो 4 बजे चालू हो जाएगा, शाम के टाइम होता है। नाही नको पेपू, मी घेतले ना, नको। हवा बहुत चालू है और हम ऐसे ही घूमते घूमते जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो टर्टल, देखो मैं दिखाती हूँ आपको टर्टल कैसे आया है। ज़्यादा तो फिश नहीं आते किनारे पर, तो सारे फिश वहाँ डीप में होते हैं, तो जो बर्ड्स वगैरह सब कुछ होते हैं ना वो उधर खाते हैं। अभी ये जो मैं दिखा रही हूँ ना आपको, ये रेंट से साइकिल है, साइकिल मिलती है, बच्चे रेंट से साइकिल खेलते हैं। पर पर्सन पर एक साइकिल, सिंगल बाइक 50 दिरहम है और ट्विन्स बाइक 55 दिरहम में। टाइम के ऊपर है, 45 मिनट्स 20 दिरहम, हाफ मिनट्स 30 मिनट्स, ऐसे है। अभी हम 1-2 किलोमीटर का डिस्टेंस है ओपन बीच, और यहाँ पे दिख रहा होगा ये प्राइवेट बीच का। अब हम आपको प्राइवेट बीच दिखाएंगे कैसा है। अभी ये स्टार्ट हो गया है प्राइवेट बीच का पार्ट, और इधर से 2-3 गेट है जाने के लिए, इधर जिसको कुछ चाहिए हो, चाय कॉफ़ी या ब्रेकफास्ट, वहाँ से ले सकते हैं। इधर पार्किंग के लिए भी है, और इधर से ये एक गेट है और उधर के साइड भी एक गेट है। प्राइवेट के लिए एंट्री के लिए टिकट निकालना पड़ता है, पर पर्सन 10 दिरहम रहता है। और कुछ भी आपको चेयर या अम्ब्रेला चाहिए कि उस हिसाब से चार्ज लगाते हैं। यहाँ पे खाने के लिए भी ये मेनू ऑर्डर कर सकते हैं और अंदर लेके जा सकते हैं। ये प्राइवेट बीच है, अंदर जाने के लिए उधर वो गेट से एंट्री करना पड़ता है, और अंदर पूरा चेयर, ऐसे चेयर लेने के लिए आपको चार्ज करना पड़ता है। अम्ब्रेला चाहिए तो भी ले सकते हैं, और यहाँ पे भी बैठ सकते हैं रात को, और पूरा लाइटिंग पूरा ऊपर किया हुआ है, यहाँ भी अच्छा लगता है। कुछ लोग फैमिली आके इधर डब्बा लेके आते हैं और बैठते हैं।
देखो बीच है पर क्लीनिंग बहुत रहती है इधर, ऐसा दिखेगा नहीं आपको कि सैंड पूरी फैली हुई है, वो तुरंत क्लीन करते हैं। यहाँ पे फूल मैरीगोल्ड के है, हर जगह अलग अलग फ्लावर लगाए हैं। और यहाँ पे वाइट वाला, उधर रेड, यहाँ पे पर्पल लगाए हैं, यहाँ पे रेड लगाए हैं, यहाँ पे फुटबॉल वॉलीबॉल सब खेल सकते हैं। ये पानी पीने के लिए है पर अभी बंद है। अभी यहाँ से फैमिली बीच स्टार्ट होता है, यहाँ से यहाँ पे बैचलर को अलाउड नहीं, ओनली फिर से फैमिली। वो प्राइवेट बीच था, हमने अभी दिखाया था ना, वो अभी ये फैमिली बीच है। और हम जहाँ पहले खड़े थे वो ओपन स्पेस था। बच्चों के लिए साइकिल राइड्स है, वहाँ पे भी हमने दिखाया था ना, उधर भी था और इधर भी है। इधर सब होटल है दादा, ये मेन एंट्री गेट है। गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बीच के सामने है ही बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, जैसे कि अलग अलग क्विजींस है, आपको जो खाना है वो खा सकते हो। और ये फैमिली बीच है, यहाँ पर आप फ्री जा सकते हो। और ये सिर्फ फैमिली के लिए ही अलाउड है, यहाँ पर बैचलर्स नहीं जा सकते। बीच का सफर इधर ही ख़त्म होता है, तो अब हम जा रहे हैं अलवादा मॉल।